जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका SBG चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे एमपी बीएड एडमिशंस के बारे में, बीए बीएड बीएससी बीएड बीपीएड एमपीएड के फर्स्ट राउंड के कट ऑफ के बारे में। दोस्तों आप सभी को पता है कि अभी फर्स्ट राउंड हुआ है और इस बार जो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है बहुत ज़्यादा हाई गया है। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन नहीं हो पाया है क्योंकि उनकी यूजी की या पीजी की जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा कम थी। ठीक है, तो अगर आपका नंबर नहीं आया है यानी कि नाम नहीं आया फर्स्ट राउंड में, तो मैंने आपको बताया था कि सेकंड राउंड में हमें चॉइस प्लिंग करनी है, तो आप चॉइस प्लिंग कर लेना। लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे जो कट ऑफ गया है वो हमारा कितना गया है, वो 70% से भी ऊपर गया है। जी हाँ दोस्तों, 70% से ज़्यादा गया है इस बार। काफ़ी छात्रों का नहीं हुआ है कॉलेज चलो। चलिए मैं आपको कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग है, दो तीन वो मैं बता देता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं बीएड की सीटों का अलॉटमेंट, अंचल में 5,000 सीटें आवंटित, तो केवल गोकुल ग्वालियर में 5,000 सीटें अलॉटमेंट हुई हैं। इस बार जो कट ऑफ है वो 72 तक पहुंचा, यानी कि आपकी अगर परसेंटेज कट ऑफ जो 72% है तभी आपका सिलेक्शन हो पाया होगा, यानी कि इस बार जो कट ऑफ है अच्छा गया है। कोई कॉलेज ऐसे हैं जिनका 70 चला गया है, कोई कॉलेज ऐसे हैं जिनका 75 भी गया है, कोई कॉलेज ऐसे हैं जिनका 78 भी गया है। तो आप सभी को पता है कि लिस्ट आ गई है और यहाँ पर जो कट ऑफ है काफ़ी ज़्यादा गया है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 72% तक हमारा कट ऑफ गया है इस बार। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर जो कट ऑफ है हमारा 68% तक गया है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम दूसरी न्यूज देखें तो एक अपडेट आ रहा है, तो आपको पता होगा कि बीएड में टोटल सीटें थी 59,000, जिसमें से जो रजिस्ट्रेशन हुए थे 82,000 हुए थे, फिर भी जो सीटों पर अलॉटमेंट मिला है 70% सीटों पर मिला है, लगभग लगभग 35-36 हज़ार सीटों पर ही यहाँ पर अलॉटमेंट जारी किया गया है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो कट ऑफ गया है वो गया है इंदौर के कई कॉलेजों में, ग्रेजुएशन में अगर आपकी 70 से 73% या इससे ऊपर है तभी स्टूडेंट का एडमिशन हो पाया है, अन्यथा काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एडमिशन लेने के लिए उनको कॉलेज अलॉटमेंट ही नहीं हो पाया है। एक न्यूज और निकल कर आ रही है कि 60 से 64% के, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिनकी 60 से 64% के बीच हैं, ऐसे 1,000 से ज़्यादा स्टूडेंट है इंदौर में, और ऐसे स्टूडेंट जो बीएड में एडमिशन लेने के लिए 2 साल से लेकर 4 साल से रजिस्ट्रेशन कर पा रहे हैं, करवा रहे हैं, लेकिन उनको एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? उनकी जो कट ऑफ परसेंटेज है वो बहुत कम है, यानी कि इंदौर के कॉलेजेस की अगर हम बात करें, अगर आपकी 68% से ऊपर है तभी कॉलेजेस हमको मिल पा रहे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट ने, कुछ स्टूडेंट है जिनका बयान भी आया है कि कृतिका पांडे हैं, पिछले 3 साल से बीएड में सीट अलॉटमेंट नहीं हुई है, इसके लिए ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो परसेंट है वो 66% है यूजी में, और 66% होने के बावजूद भी बीएड में एडमिशन के लिए कॉलेज अलॉट नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो आपका जो कट ऑफ है लगभग 70% के आसपास होगा, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। तो ये अपडेट थी जो आपके लिए जानना जरूरी था, स्टूडेंट के मन में डाउट थे, इसलिए मैंने सोचा वीडियो के माध्यम से बता दिया जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक लिए बाय।